आज हम बताएंगे कि चोराफड़ी चेकसन मशीन से कैसे बनाई जाती है, और हम बताएंगे कि कैसे आटा लगाना है और कैसे कटिंग करने के बाद उसको कैसे फ्राई करते हैं। ये सब जानकारी आपको ये वीडियो में दी जाएगी। इस तरह आटा मशीन के अंदर डालना है। सबसे पहले हम उसमें 10 केजी बेसन का आटा, 1 केजी उड़द का, 1 केजी चोड़ा का और 400 ग्राम नमक डाल के हम उसमें मिक्स करेंगे और मशीन के अंदर आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद हम उसमें 3.5 से 4 लीटर पानी डालेंगे। आप लोगों को हाइजेनिक तरीके से आटा गूंथ के हाइजेनिक चोराफड़ी खिला सकते हो। हम इस तरह मशीन का ढक्कन बंद करके 5 मिनट मशीन को चलाएंगे। 5 मिनट के बाद अब आटा तैयार हो गया है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। और अभी हम 1 मिनट मशीन को चालू रखेंगे तो आटा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से आटा गूंथ रहा है। उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। अभी आटा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अभी हम उसको निकाल देते हैं। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से आटा गूंथ गया है। अब हम यही मशीन में उसका सीट बनाएंगे। इसमें एकदम सिंपल प्रोसेस होता है, ऊपर से उसमें आटा डालो और उसमें से सीट बन के निकल जाएगा। तो इस तरह से काट देना है। इस तरीके से चोराफड़ी का पट्टा बेल के ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और ये सीट बन गई है, हम उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे। इस तरह हम सीट का छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अभी ये सीट को मशीन के आगे इस तरह रखने का है, उसको एक के पीछे एक को इस तरह से लगाया जाता है। उसमें से ही चोराफड़ी की सीट बन के निकल जाएगी। आप देख सकते हो कि जैक्सन मशीन की मशीन में कैसी फिनिशिंग आ रही है। फिर इसमें इस तरह ऑटोमेटिक कटिंग होके पट्टा निकल जाता है। देखो ये जैक्सन मशीन से बनाई हुई चोराफड़ी का पट्टा है, वो कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। पहले हम हाथ से बनाते थे तो 4 से 5 लोग हम 10 से 12 किलो आटा निकालते थे। अब हमने मशीन लिया है तो 1 घंटे के अंदर 40 से 50 किलो आटा बेल के निकल जाता है। पहले हम हाथ से बनाते थे तो मेहनत बहुत ज्यादा लग रही थी, अब मशीन से बनाते हैं तो एकदम आसान काम हो गया है। ये जैक्सन मशीन से आपको इससे छोटा मशीन चाहिए तो भी मिल जाएगा, इससे बड़ा मशीन चाहिए तो भी मिल जाएगा, सभी मशीन अवेलेबल है। तरह हम पट्टे के ऊपर सूखा आटा डालते हैं ताकि सीट एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं। ये मशीन के अंदर आपको ऑटोमेटिक आटा छिड़कने का सिस्टम चाहिए तो भी जैक्सन कंपनी वाले लगा देंगे। तरह हम बेले हुए पट्टे का थप्पी लगाते हैं ताकि ये सब पट्टे को ढकने में आसानी रहे, क्योंकि चोराफड़ी को पट्टे को ढक के रखी जाती है ताकि चोराफड़ी अच्छी फूलती है। हम ये सीट को आधे से 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। अभी 1 घंटा हो गया है, हम उसको काट के उसको फ्राई करेंगे। ये जो चोराफड़ी का पट्टा रखा है हमने, उसमें थोड़ा थोड़ा पट्टा निकाल के और उसमें कटिंग कर देंगे। इस तरह हम उसको चप्पू से काट लेंगे। पट्टे को काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो फटाफट से कट जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फिर उसको हाथ से ऐसे अलग करके हम तेल में डालेंगे। मशीन के अंदर थिकनेस एडजस्ट करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है ताकि आपको चोराफड़ी मोटा और पतला निकालनी हो तो वैसे निकाल सकते हो। कितनी अच्छी फूली है आप देखो, तो हवा ना लगे इसीलिए हम उसको डब्बे में पैक करके भर देंगे। आप देख सकते हो कि जैक्सन मशीन की मशीन से बनाई हुई चोराफड़ी किस तरह से फूलती है। चोराफड़ी को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो एकदम से जल्दी से फटाफट तल जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए या मशीन बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए।